सॉरी मेरे बच्चा, अब ऐसे नहीं कहूंगी मैं। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Rinki Sharma. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ कोरोना वैक्सीन लगवाने, तो चल के देखते हैं कि कोई रिएक्शन होता है या नहीं, क्या रिएक्शन होता है और मुझे रश मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है, अपॉइंटमेंट मिली है उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ कि भीड़ भाड़ होगी या नहीं, आराम से लग जाएगा या कितना टाइम लगता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों मेरा यहाँ पे कार्ड बनाया जा रहा है, नाम पूछ रहे हैं, एज पूछ रहे हैं और ये मेरे आगे रश बिल्कुल नहीं है, खाली सीटें पड़ी हैं सारे में और मेरा कार्ड हाथ में आ चुका है मेरे पास और मैं चलती हूँ अब इंजेक्शन लगवाने। यहाँ पे मुझे वो सामने बैठे हैं ना भैया, दोनों बोल रहे थे आप 32 एज की लग ही नहीं रहे हो, मैडम आप 32 नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था कि मतलब कॉम्प्लीमेंट सा फील होता है ना, जैसे कि कोई अच्छा बोलता है। तो गाइस किसी को कॉम्प्लीमेंट देना और लेना बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है, मतलब स्माइल तो आ ही जाती है उसके साथ साथ, लेकिन अच्छा फील होता है कि हम कुछ डिफरेंट ही हैं। उस टाइम ना पता है क्या, उन वो हंसाने के लिए कर रहे थे कि किस लिए कर रहे थे, लेकिन पूरा टाइम जब तक इंजेक्शन लगा कुछ ना कुछ पूछे भी जा रहे थे और हंसाए जा रहे थे। इंजेक्शन लग गया है और कोई रिएक्शन नहीं हुआ और मुझे किसी ने एक्चुअली बताया कि ठंडी ठंडी आधा लीटर की माजा पी लो और फीवर वगैरह नहीं होगा। तो मैं आज का दिन देखती हूँ, स्टे करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि फीवर होता है या नहीं। वैसे हल्का हल्का हैंड पेन है मुझे, थोड़ा सा पेन है, ज़्यादा नहीं है, और देखती हूँ कुछ टाइम बाद फीवर चढ़ता है तो मेडिसिन ले लूँगी मैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी सिस्टर ने भी लगवाई थी, बड़ी दीदी ने, तो उनको नहीं हुआ फीवर। और अपना देखती हूँ मैं कि फीवर होता है या नहीं, अगर फीवर हो गया तो मुझे चीकू के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी चीकू को संभालने में। अब भगवान करे इस फीवर ना हो, क्योंकि चीकू के लिए दिक्कत हो जाएगी मुझे कि उसे संभाल, वो आजकल मेरी गोदी में ज़्यादा रहता है, जिद करता है आने के लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे मैनेजमेंट बिगड़ जाएगी। तो देखते हैं कि फीवर होता है या नहीं होता है। तो मैं गाइस आज तो मैंने लगवा ली है वैक्सीन, लेकिन आज मुझे फीवर नहीं चढ़ा है अभी तक, शाम हो चुकी है और मैं नॉर्मल हूँ। और पता नहीं गाइस, मेरा छोटा सा बेबी है, आप लोगों को पता ही है, और मुझे ना किसी ने बताया, मेरी फैमिली में ही किसी ने लगवाने गई थी दीदी एक, तो मुझे बताया किसी ने कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको फीड नहीं करा सकते 10 दिन तक इंजेक्शन लगवाने के बाद। तो मैं कई दिन से ट्राई कर रही थी चीकू को ना दूर रखने के लिए, एक हफ्ते से ट्राई कर रही थी ताकि सहज को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बाद में फीड की वजह से, कि उसको आदत हो रखी है मेरे लिए। तो मैं कोशिश कर रही थी कि उस टाइम पे इंजेक्शन लगाने के बाद उसे प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो कि उसे मेरा मिल्क ना मिल पाए, इस वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा सा उससे दूर ही रहूँ। लेकिन आज मुझे वैक्सीन लगने के टाइम पे पता चला कि अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे बताया कि उन्होंने कि ये चीज़ हम पहले बोल के चलते थे लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप फीड करा सकते हैं। तो मुझे बड़ा तरस आया, अपने बच्चे को मैं एक हफ्ते से उसे दूर दूर रख रही थी और आज सडनली पता चला कि मैंने अपने बेटे के लिए ये चीज़ गलत की, थोड़ी सी गलत की, क्योंकि फीड तो इस अभी एक साल का हुआ नहीं है तो मुझे तो कराना ही है फीड इसको हम ताकि मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग रह सके, है ना। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ कि मैंने चीकू को
अपने से दूर दूर रखा ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो बाद में, लेकिन यह मेरी भी मजबूरी थी ना कि मुझे जैसे पता चला कि इंजेक्शन भी ज़रूरी है क्योंकि बाहर निकलना बढ़ना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए इंजेक्शन लगवाना तो ज़रूरी बन ही रखा है। तो उस और फिर इंजेक्शन लगवाने के बाद 10 दिन में फीड निकल आती थी, पता लगने पर मुझे ये चीज़ करनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दे चोनी, मुझे चोनी चोनी चोरी मानी बच्चियों मेरी छोनो बच्चा, सॉरी मेरा बच्चा, अब ऐसे नहीं कहूँगी मैं अपने पास ही रखूँगी अपने बेटे को, मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहेगा, है ना। तो चलिए गाइस, रात तक मैं बताती हूँ अगर मुझे, लेकिन सुनने में आया है कि जिनको फीवर हो रहा है वो सडन हो जा रहा है वैक्सीन लगने के बाद, और मुझे 4-5 घंटे हो चुके हैं, मुझे फीवर नहीं हुआ है, वो शायद भगवान अच्छा ही करे कि मुझे फीवर नहीं हुआ है। और देखिए कि मौसम बहुत ख़राब सा होता जा रहा है और मुझे आ रहा है थोड़ा ठंडक ठंडक, दिल्ली में इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है गाइस, सड़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन तो ठंडक होने का नाम नहीं ले रही थी, लोग बस यही सोच रहे थे थोड़ी सी बारिश हो जाए ताकि थोड़ी सी ठंडक हो सके। तो आज बहुत दिन आ गया है दिल्ली में, थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन कितनी देर होएगी ये नहीं पता। मैं भी तो नीचे जाऊँगा, चलिए चलिए तलेगा, चलिए चलिए चली चली तलेगा, चली चली, हाय 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 हाय। गाइस आज तो हम ले रहे हैं बारिश के मजे, ये चीकू की फर्स्ट बारिश, एक्चुअली पहले भी हो चुकी है लेकिन चीकू को भिगा नहीं सकते हैं, अभी उसका अभी 1 साल नहीं हुआ है तो हम लोग ज्यादा भीग नहीं सकते हैं, तो चलते हैं हम नीचे। हम यहाँ खड़े हो जाते हैं बारिश से बच के, है ना, बारिश से बच के यहाँ खड़े हो गए। देखिए छत पूरी भीग चुकी है मेरी और हम इस जगह पे खड़े हैं, ये चीज सूखी हुई है, यहाँ पार्ट सूख रखा है और इधर सारा गीला हो चुका है। तो गाइस सहज भी एंजॉय कर रहा है बारिश को, देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, एकदम से पानी, आजकल उसे पानी में, देखिए गाइस सहज कितनी मस्ती कर रहा है, ग्रिल में से एक्चुअली ना ये अपनी गर्दन निकाल लेता है। हमारा एक चार्ली नाम का डॉगी था, वो हमारी ब्रीड थी गोल्डन रिट्रीवर, वो भी ऐसे ही करती थी। हुई 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 हुई, ये क्या होता है, ये मस्ती नहीं होती बेटे, ड्रेस को होता है बेटे, ड्रेस को होता है बेटे, ये और बच्चा पीछे हो जा, पीछे हो जल्दी से। गाइस मेरे पापा ने ना इस चुन्नी को, साड़ी को, एक्चुअली साड़ी को ऐसे बांध के कवर किया हुआ है ताकि बच्चा रिस्क गिरे ना, और ये फिर भी ऐसे काम करता है। छोटा देख, देखो देखो बेटा नहाया है आप, बेटा नहाए हो आप, नहीं नहाए हो बेटा, नहाए हो आप, इधर देखो इधर देखो, नहाए हुए तो लग रहे हो आप, ऐसे लग रहे हो नहा के आए हो, सुबह हो चुकी है और मुझे रात 2:45 बजे से फीवर हुआ, वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे लग रहा था शायद फीवर ना हो क्योंकि रात 10-11 बजे तक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ मतलब सिम्टम भी नहीं थे कि फीवर मुझे आएगा कि बॉडी में थकान या पेन होता है, तो वो चीज़ नहीं थी मुझे, लेकिन 2:45 बजे से मुझे फीवर हुआ और
थोड़ा अब मैंने PCM ले ली थी उस टाइम पे, तो अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो आज आज की दिक्कत रहेगी और कोई पंगा नहीं रहेगा, सिर्फ एक दिन का बताते हैं, सब एक दिन फीवर रहता है, तो कल तक मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।